पलामू में पलामू किला बहुत प्रसिद्ध है। पलामू में चेरो वंशी राजाओं का शासन काल था। चेरो वंशी में कई महान राजा हुए और कई किला का निर्माण हुआ। अगर पलामू किला के इतिहास के विषय में जानना चाहते हैं तो हमारा और एक वीडियो है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर पलामू किला का इतिहास के विषय में जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज शाहपुर किला का इतिहास। अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाइए, जिससे हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। शाहपुर किला डाल्टनगंज से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। डाल्टनगंज शहर से यह पश्चिम भाग में है। दक्षिण कोयल नदी के तट पर है। स्थिति में पड़ा है। इस किला का अधिकांश भाग ढह चुका है। इस किला को देखने पर ऐसा लगता है जैसे यह 3 मंजिला भवन था। इस किला की ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी बना था, लेकिन फिलहाल वह सीढ़ी टूट चुका है। दोस्तों, इस किला के अंदर कुआं भी था, वह भी टूट चुका है, भरा चुका है। इस किला के आंगन में एक मंदिर नुमा भवन बना है, जिसमें राजा मेदिनी राय का मूर्ति बना है और बगल में चेरो वंश का अंतिम शासक चूड़ामन राय और उनकी पत्नी चंद्रावती देवी का मूर्ति बना है। चेरो वंश का सबसे शक्तिशाली राजा मेदिनी राय थे। चेरो वंश का प्रथम शासक भगवत राय थे और चेरो वंश का अंतिम शासक चूड़ामन राय थे। शाहपुर किला का निर्माण गोपाल राय ने सन 1772 ईस्वी में किया था, जब पलामू किला में अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। तब गोपाल राय ने यह किला का निर्माण कराया था और यहीं से शासन काल चलाते थे अपना। गोपाल राय के बाद चूड़ामन राय 1784 से 1815 तक राज किया। उसके बाद अंग्रेजों ने संपूर्ण पलामू पर अपना सीधा अधिकार कर लिया। इस प्रकार से चेरो वंश का पतन हो गया। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आप सुझाव या कोई विचार देना चाहते हैं या इसके विषय में कोई आप जानकारी रखते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।